नमस्कार, प्रभातखबर.com के प्राइम शो में मैं महिमा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम रांची के डेली मार्केट इलाके में आए हुए हैं। हमने कुछ दिनों पहले एक स्टोरी की थी आम को लेकर, जिसमें हमने ये दिखाया था कि आम कितने महंगे मिल रहे हैं बाज़ार में। तो वही आज हम जानेंगे कि आम की कीमत में कितनी गिरावट हुई है और कौन कौन सा वैरायटी के आम बाज़ार में उपलब्ध है। अभी भागलपुर का लंगड़ा आम है, यूपी का दशहरी है और बहुत मतलब अमरपाली है, बिहार का लोकल आम अमरपाली आ रहा है। और प्राइस क्या है सबका? अभी तो बहुत डाउन हो गया, कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा। हाँ, तो आम का नियम है ना, जब शुरू आता है ना तो महंगा रहता है, तो उसके बाद फिर आस्ते आस्ते डाउन हो जाता है। फिर अभी 70-80 रुपये है सारा। हाँ, तो ग्राहक आ रहे हैं? हाँ, मतलब पहले कुछ दिन पहले ग्राहक आ रहे थे, उससे ज़्यादा आ रहे हैं कि अभी ज़्यादा आ रहा है ना? कोरोना के बाद, इस बार कोरोना के बाद अब थोड़ा सुधार हुआ है। कोरोना में तो मतलब ऐसा हुआ था कि हम लोग का डेली मार्केट बंद था 4-2.5 महीना, अब खुला, उसके बाद आस्ते आस्ते फिर अपना लाइन में आ गया पूरा मार्केट। तो आपके पास कौन कौन सा आम है? अभी हमारे पास है भागलपुर का लंगड़ा, यूपी का दशहरी, अभी दो ही जगह का हम लोग बेच रहे हैं। अच्छा, तो ज़्यादा आम कौन सा ज़्यादा बिकता है? हम ये भागलपुर का लंगड़ा, अभी भागलपुर अभी 1 महीना और चलेगा, उसके बाद फिर यूपी आए। अच्छा, ज़्यादातर लोग भागलपुर के आम को पसंद करते हैं, क्यों? टेस्ट अच्छा होता है इसका। तो ये अभी 1-2 महीने तक ही बाज़ार में रहेगा? 1 महीना, 1 महीना। अभी आम में 90-100 है, लेकिन दूसरा प्रजाति के जो आम आ रहा ना, वही वाला आपका कम दाम में है, आपका 60-65 जो है। दशहरी हो गया, देशी आम हो गया, अमरपाली हो गया, ये सब का रेट है। अब बढ़िया भागलपुर का लंगड़ा 100 रुपये ही है, 90 रुपये। तो ग्राहक आ रहा है? ग्राहक आ रहा है, बहुत कम है। अभी थोड़ा सा ही जो सिचुएशन हुआ ना, इसके वजह से थोड़ा ग्राहक कम है। ये संभावना है कि और कीमत थोड़ी कम होगी आम की कीमतों पर? आम अभी और गिरेगा रेट, अभी इसी यूपी का आम चलेगा तो और नीचे आएगा रेट, लेकिन बिहारी आम का कदर अलग होता है, उसका आम ऊँचा ही रहता है दाम। आपके पास कौन कौन सा आम है? अभी मेरे पास तो सिर्फ भागलपुर का लंगड़ा है, बस खाली वही। आप लोग आम कहाँ से लाते हैं और अभी कैसे मिल? मंडी से आ रहा है आम। ये 1500 रुपये का आता है, ये 25 kg का आता है ये। तो आप लोग ऐसे ही पेटी से बेचते हैं? जी, पेटी भी बेचते हैं, लूज में बेचते हैं, दोनों बेचते हैं। तो अभी कैसे मतलब सस्ता हुआ? पहले तो 90-100 रुपये मिल रहा। पहले जो मड़रास का आम आता था ना, वो 150 रुपये kg बिक रहा था, और अभी 80-100 रुपये kg बिक रहा है, अभी कम हो गया रेट अभी। तो आपके पास कौन कौन सा आम है? रंगड़ा है और दशहरी है। रंगड़ा 80 रुपये kg है और दशहरी 70 रुपये kg है, ये होलसेल का रेट है। अच्छा, तो इसके बाद कौन कौन सा आम आएगा? अभी दो ही तरह का आम आएगा, बस ये रंगड़ा आएगा, दशहरी आएगा, इसके बाद जो लास्ट वाला आम आता है वो चौसा आम आता है, वो अगला महीना से आएगा। तो और थोड़ा मतलब कीमत में गिरावट होने का चांस है? कम नहीं होगा रेट, अभी इतना ही चलेगा जी। कम हुआ ना इस बार, माल कम हुआ है ना, ज़्यादा होने से ना रेट नीचे रहता। इस अगले बार बहुत माल हुआ था तो रेट कम था, इस बार माल कम हुआ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।